पूरा भारत जो है ना जय श्री राम के नारा से गूंज रहा है आज, मतलब कि दिवाली की तरह आज सजा है पूरा भारत। बिल्कुल जय सिया राम बोलेंगे हम। हाँ। हम सीता को नहीं भूल सकते हैं, राम जी आ गए हैं, सीता जी अपने जगह पे हैं, राम जी अपने जगह पे, अब दोनों को एक कब ये लोग एक जगह रखेंगे उसका हमें इंतजार है। किसी ने बोला कि अभी तो लल्ला आए हैं, तो लल्ला आए हैं तो मान लीजिए मोदी जी लल्ला लाए हैं तो योगी जी राम सीता एक कर देंगे एक जगह पे, तो हमें तो भाई सीता जी से भी मतलब है, ऐसा नहीं हम महिलाओं के लिए सोचते हैं। पता चला अरे ये तो प्राचीन काल से हमारा इतिहास गवाह है कि महिलाओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जब सीता जी को आप लोग अग्नि में झोंक सकते हैं तो हम तो बिना मानवी हैं गली बकते हैं तो अग्नि में नहीं बैठा रहे, ये कम बड़ी बात है, छोड़ दिए। क्या कहेंगे मैम, मतलब कैसा लग रहा है अभी हिंदुस्तान में जय श्री राम? देखिए जय श्री राम नहीं बोलिए, हम लोग महिला विकास मंच वाले जितने लोग हैं हम लोग जय सिया राम बोलेंगे, पहले सिया तब राम। तो ये चूंकि देखिए ये कहीं ना कहीं प्रताड़ना वाली बात हमारे युगो युगों से चली आ रही है, ये तो राम जी ने शुरू किया है, सीता जी को अग्नि परीक्षा दिया, ये तो आप ही बोल रहे हैं, सच्चाई है रामायण में हमारे, ये सच में क्यों कहीं ना पुरुष लोग प्रताड़ित करते हैं महिलाओं को, सभी नहीं करते मैम ऐसा नहीं है, सभी नहीं करते ऐसा नहीं है, आप सब ध्यान से देखिए, एक पुरुष बोल रहे हैं पुरुष प्रताड़ित करते हैं महिला को, ये हम नहीं बोल रहे एक पुरुष बोल रहे हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है, सभी नहीं करते, कुछ लोग हैं जो कि महिला को तंग करते हैं गलत मतलब करते हैं, लेकिन वो रामायण की बात है, वो राम की बात है, एक रामायण की दर्शाया हुआ कि हम लोग पूर्वजों को तो फंसी रामायण में कैकई भी थी ना, तो वैसी कैकइयां भी बहुत है अभी हमारे भारतवर्ष में, हर चीज पूर्वजों को ही फॉलो करते हैं और जो उनकी प्रथा चलाई हुई है कितना भी आप मॉडर्न हो जाइए मानसिकता वही है और ये चलती आ रही है। आप कह रहे हैं जींस पहना देंगे, लेकिन जींस पहना के अगर घर में बिठाए हैं तो लेकिन उसी दृष्टिकोण से उसको देखते हैं, तो ये मानसिकता चली आ रही है, इसको आप ना आप बदल पा रहे हैं और हम भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, महिलाओं का दोष है क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हम सोचते हैं हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, हम कॉम्प्रोमाइज करके रहेंगे तो हम उसी पे जीवन जी रहे हैं, इसलिए बस चेंज नहीं हो रहा है। पांच पुरुष ही मिलके ना, हमारे पूर्वज लोग पांच पुरुष मिलके ही ना द्रौपदी का वस्त्र उतरवा दिए थे, तो आप कैसे कहते हैं, तो वो परंपरा से हम नहीं परे नहीं है, हमें वो झेलना ही है क्योंकि वो मानसिकता बदल नहीं सकते, मानसिकता नहीं बदली है और हम कंप्रोमाइजिंग मोड पे चलते हैं, हमें कंप्रोमाइज करके ही रहना है, दूसरा जो लड़की पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज कर लेती है उसका सफल जीवन जीता है, कभी आप ये पक्ष जाने उस लड़की के दिल पे क्या गुजरता है वो कभी कोई जानने की भी कोशिश नहीं करता है, पूरा जीवन जी जाती है वो कॉम्प्रोमाइज मोड पे, लेकिन लोग पुरुष बैठ के तब तारीफ करते हैं वो महिला कितनी अच्छी है, एक बार उसके हृदय में झांक के देखिए कि तेरे अंदर भी कोई तकलीफ रही है, वो कभी नहीं कोई देखता है क्योंकि वो आप तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉम्प्रोमाइजिंग मोड है, एक बार रिवॉल्ट क्या करेगी आपका, देखिए तेवर कैसा निकलता है। लेकिन मैं जब राम जी का जो ये बनाया गया त्रेता युग वाला पांच साल के राम जी को वहां पे लल्ला जी के रूप में जा रही है, हम महिला विकास मंच जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में अयोध्या और हम लल्ला जी से मिलके भी आएंगे, अभी भीड़ काफी है, मुलाकात नहीं है, लेकिन खुशी है इस बात की क्यों, देखिए वो ऐतिहासिक है, जहां पे राम मंदिर बना ना वहां की इतिहास कुछ और थी और उसपे जो जीत हुई है उसकी खुशी तो डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी, बस थोड़ा जल्दी से वो 24 साल के हो जाएं 20 साल के हो जाएं कि सीता जी को भी बगल में बिठा दिया जाए जाके, लोगों ने कहा कि भाई जवान होंगे तब ना शादी होगा, तब 20 साल बाद तो योगी जी आएंगे तो हमारी सीता जी बिचारी यहाँ बिहार में अकेले पड़ी हुई, उधर जनकपुर में, इधर राम जी पड़े हैं, तो कब मिलेंगे उसी का इंतजार अब हम लोग करेंगे। अच्छा मैम, बहुत सारे नेताओं का बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन आप देखिएगा तो 15-20 साल पहले जाइएगा तो आडवाणी जी हमारे शुरू किए थे एक रथ यात्रा पूरा अभियान जोड़ो वाला, लेकिन उस इस बहुत सारे नेता मंत्री उद्योगपति बहुत सारे यहाँ नजर आए, हम लोग देख रहे थे न्यूज लगातार कवरेज कर रहे थे तो उस, लेकिन आडवाणी जी का कहीं नहीं दिखे, क्या कहेंगे?
देखिए अब ऐसा विचार में क्या ही बोले, लेकिन थोड़ा सा इसमें उम्र तो अलग चीज है, लेकिन नाम भी नहीं कहीं आया उनका, तो ये गलत है बिल्कुल। देखिए सवाल है, जो बीज अगर कोई डाले हैं किसी चीज की, रथ यात्रा जो स्टार्ट हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं, उस वक्त 15-16-17 साल पहले की बात, 16-17 तो ये थोड़ा सा है, नाम आना चाहिए। अगर ये नजरअंदाज हुआ है तो इसे हम गलत ही मानते हैं और नहीं करना चाहिए ऐसा बिल्कुल। कम से कम एक एक बाइट तो बनता है उनका, एक शुभकामना भी तो बनता है उनका। हाँ आप क्या कहेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ पूरे मतलब हिंदुस्तान में घुमा रहे थे, अब हमारे बिहार में लालू जी ने रोका भी था, शायद उनको गिरफ्तार भी किया गया। देखिए जब आज आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये मॉर्निंग में जब हम लोग न्यूज देख रहे थे तो मैं ना ध्यान से इसी पे गौर कर रही थी, शायद कोई नाम ले ले, शायद कोई कहीं तो नाम आ जाए, क्योंकि हमेशा जब भी हम लोग वहां के अयोध्या की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम अगर किसी के भी हृदय से पूछेगा तो लाल कृष्ण आडवाणी ही आते हैं, क्योंकि अगर उस समय भी शांति प्रिय अटल जी थे तो क्रांति प्रिय आडवाणी जी ही थे, और उन्होंने ही ये क्रांति छेड़ी थी, जो एकदम रथ यात्रा कोई इंसान नहीं भूल सकता है, चाहे वो आरएसएस के कोई बंदे हो, तो वहां भी बैठे हर व्यक्ति एक अंदर से भय होगा या कुछ भी होगा, हमें नहीं मालूम है, हम एक आम आदमी है, एक आम जनता है, उस नाते बोल रहे हैं कि ये अगर ऐसा हो रहा है कि उनके चीजों को दबाया जा रहा है तो ये गलत है, लेकिन जेहन से कहां दबाया जाएगा, जेहन में जब मेरे सकता है तो आपके भी आ सकता है। आपको क्वेश्चन आया, बहुत सारे लोगों सबके हृदय में ये जाग रहा होगा कि चलो आज आडवाणी जी को विजय प्राप्त मिल गया, हो गया, तो विजय हुए। अच्छा मैम क्या कहेंगी, बहुत सारे लोग मंदिर पे भी सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर नहीं होना चाहिए, वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए था, जितना रुपया वहाँ लगा रोजगार होना चाहिए। वो धरती जो है वो रामलला की धरती है, तो जो उनका स्थान है तो उसको आप कैसे हॉस्पिटल में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वहाँ मंदिर ही होना चाहिए था। और हॉस्पिटल के लिए अयोध्या में जगह की कमी थोड़ी है, थोड़ा हटके हॉस्पिटल भी बन जाएगा। अब उसी जगह में जहाँ उनका जन्म हुआ वहां पे अब हॉस्पिटल, ये भी तो अच्छी बात नहीं है, लोग मरेंगे ये होंगे, हॉस्पिटल में अच्छा काम भी होता है कई बार, कुछ आपातकालीन खून ब्लड ये सब, अब उनकी धरती को इतना क्यों अपवित्र करते हैं। पहले ही लड़ाई में बहुत लाल हो, आप ये बोल रहे हैं, आप ये जब कह रहे हैं ना कि रोजगार जनरेट होता अस्पताल, आपको क्या लगता है वो मंदिर रोजगार जनरेट नहीं किया? पूरे अयोध्या को जो परिवर्तित किया है और जितने लोगों को रोजगार मिला, कई लाखों को रोजगार वहां मिलेगा, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो मंदिर बना है तो रोजगार नहीं जनरेट किया, लाखों की संख्या में वो रोजगार भी जनरेट किया। अभी हम ही प्लान कर रहे थे वहां पे, मतलब रियल एस्टेट का हमारा काम है, तो सर प्लान कर रहे थे कि एक होटल डालने का, अभी 1500 के कमरे 6-6 हजार रुपए में मिल रहे हैं, तो होटल की कमी है वहां अयोध्या में, तो अब इंडस्ट्री आएगी, होटल आएगा, सारी चीजें आएंगी, हॉस्पिटल भी आएगा, तो अब तो डेवलप हो गया है अयोध्या, पहले तो नहीं था उतना डेवलप, अब अच्छा लगेगा, सारी चीजें आएंगी तो रोजगार तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम, कई मुस्लिम भी बता रहे हैं कि हमारे साथ छल किया गया, यहाँ बाबरी मस्जिद था, कोर्ट वोट को खरीद लिया गया पूरा, इस सब का वीडियो वायरल हो रहा है, हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तो कोर्ट का चीज था, कोर्ट ने निर्णय लिया इस पे, इसमें आप और हम क्या ही बोल सकते हैं। अगर उनका रहता तो कोर्ट उनके फेवर में देता निर्णय, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब हमारे फेवर में निर्णय आया तभी हम उस पे मंदिर भी बनाए हैं, तो अब माननीय न्यायालय से बढ़ के तो कोई नहीं है, कोर्ट के निर्णय में हम क्या उस पे वक्तव्य दे सकते हैं। जश्न मनाइए, और बहुत बड़ी जीत है आपके, रामलला आ गए हैं, अब अयोध्या जाइए, दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, और जितने बिजनेसमैन हैं आपके लिए भी एक संदेश दे देती हूँ, क्योंकि मैं भी एक बिजनेस वूमेन हूँ, अपने अपने रोजगार तलाश कीजिए, क्योंकि अब बहुत बड़ा वो टूरिस्ट प्लेस भी होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोग दर्शन के लिए आएंगे, दर्शनार्थी की भीड़ ज्यादा होगी, तो उससे रिलेटेड आप लोग अपना अपना बिजनेस वहां स्वरोजगार के रूप में डाल सकते हैं, ये भी एक रोजगार ही दिया है मोदी जी ने।